वेलकम बैक गाइस। तो यार हमने अपनी लास्ट वीडियो में रोटेशन ऑफ एरे बाय टू नंबर किया था। इस वीडियो में हम एक्रोनिम के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी लास्ट इंटरव्यू भी रहती जो रोटेशन ऑफ डिजिट बाय टू नंबर ऐसी कोई वीडियो थी, ठीक है। उसके बाद ये आ रही है आपकी अगली वीडियो, इसका नाम है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होते हैं बताऊंगा मैं आपको, बट हाँ बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं आई, बट डोंट वरी, इसके बाद वीडियो आ रही है, लगातार आएंगी। पाइथन प्रोजेक्ट भी रेडी है, वो भी आने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट करे एक्रोनिम समझते हैं क्या होता है, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी बनेगी, मुश्किल से लग रहा है 4 या 5 मिनट वीडियो बनेगी, बट जरूरी टॉपिक है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। वैसे रिसेंटली अभी इंटरव्यू में पूछा था एक क्वेश्चन, जैसे कि मान लो आपको कोई वर्ड दिया है, ठीक है, इसका एक्रोनिम बताना है आपको। तो इसका एक्रोनिम होगा CME। फर्स्ट लेटर होते हैं आपके हमेशा जो स्ट्रिंग्स का होता है, ठीक है। बट मेरे को इंटरव्यू ने बोला आपको सारा अपर केस में रखना है, बताऊँगा कैसे करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे कोड में घुसते हैं और कोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट नाम का बोलूँगा वेरिएबल, जिसमें मैं डालूँगा एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि मैं यूज़र से इनपुट कराऊँगा। स्ट्रिंग इनपुट, और मैं फिर यहाँ पे दूंगा एंटर स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्लैश एन लूँगा ताकि मेरा नेक्स्ट लाइन में आता जाए सारा। अब मैं कुछ अपने टेक्स्ट को मैं तोड़ दूंगा, तो उसके लिए कमांड आती है टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, ठीक है। अपने टेक्स्ट को ब्रेक करूँगा ईच एंड एवरी एलिमेंट के अंदर। नेक्स्ट कमांड मैं यूज़ करूँगा एक्रोनिम, जो कि मेरा मेन है प्रोजेक्ट, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा रखूँगा, एम्प्टी रखूँगा, ठीक है। फिर लूँगा एक फॉर लूप फॉर आई इन टेक्स्ट, कॉल करूँगा एक्रोनिम फंक्शन को, एक्रोनिम इज इक्वल टू एक्रोनिम प्लस अपनी स्ट्रिंग को बुला लूँगा str। इसमें भी क्या मेरे को चाहिए, पहली इंडेक्स, ठीक है। तो पहली इंडेक्स को लेके मैं इसको प्रिंट कर दूँगा, सिंपली ईजी, कुछ नहीं करना, प्रिंट कर दूँगा अपने एक्रोनिम। तो मेरा कोड पूरा बन गया है, डेक्सिक्यूज बिल्कुल 6 लाइन में कोड मैंने कर दिया एक्रोनिम का। बट जब मैं इसको रन करूँगा, तो मान लो मैं स्ट्रिंग डालता हूँ हेलो हेलो हाउ आर यू, तो अब आउटपुट देखो आपको मिल रहा है HHAY। हेलो का एच कैपिटल, हाउ का एच ओ हो गया कोई नहीं, बट उसका एच स्मॉल आ रहा है, आर का ए स्मॉल आ रहा है, यू वाई का स्मॉल आ रहा है। बट मेरे को इंटरव्यू ने कहा था आपको सारा अपर केस में रखना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, या तो कर सकते हो एक्रोनिम इज इक्वल टू एक्रोनिम डॉट अपर, नहीं तो आप यहाँ पे डाल सकते हो इसके साथ ही स्ट्रिंग डॉट अपर कमांड, ठीक है। जैसे ही आप इस कमांड को आप रन करोगे आपको आउटपुट मिल जाएगा, वापस से देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड रुको। हेलो हाउ आर यू, इसी को सारा आपको अपर स्ट्रिंग मिला है, ठीक है। आप जितने एलिमेंट बन जाते हो आप उतने एलिमेंट लेके कर सकते हो, 10 एलिमेंट लेने हैं स्ट्रिंग आपको, 10 अल्फाबेट की जानी है। मान लो कि हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, यू कैन गो विद दिस, यू कैन गो विद डैट, जितनी बड़ी स्ट्रिंग बनाओगे उतना बड़ा आपको एक्रोनिम मिल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे मैं चेक करता हूँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आई थिंक ये हमारी IDE की फुल फॉर्म होती है, जो हम पाइथन IDE यूज़ करते हैं, तो IDE की आ गया, ये आपका IDE का एक्रोनिम होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आएगा एक्रोनिम कैसे बना सकते हैं प्रोग्राम की हेल्प से, पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से। अगर आपको कोई इंटरव्यू देता है ऐसा क्वेश्चन करने को, तो आप इजीली कर सकते हो, कि कोड ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ कुछ 6 लाइन चाहिए कोड को पूरा रन करने के लिए, कोड को पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए, और बहुत सिंपल कोड है। सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रिंग को इनपुट करवाना है यूज़र से, फिर उसकी स्ट्रिंग को तोड़ देना, तो उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं टेक्स्ट स्प्लिट कमांड यूज़ करते हैं, जो मैंने स्प्लिट कर दिया पूरे अल्फाबेट्स को। उसके बाद मैंने एक्रोनिम नंबर एक वेरिएबल बनाया, एम्प्टी वेरिएबल रखा उसको, फिर फॉर लूप बनाया। फॉर लूप में क्या किया मैंने, एक्रोनिम मेरा एम्प्टी वो था वेरिएबल, उसी के अंदर मैंने अपनी स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट ऐड करा के उसको अपर केस में कर दिया, तो जिससे मेरे को एक्रोनिम की वैल्यू मिल गई। बट फिर मैंने इन द एंड अपने एक्रोनिम को प्रिंट कर दिया, तो मुझे फाइनली आउटपुट मिल गया, जो आप देख सकते हो मेरा आउटपुट सेक्शन में आ रहा है। तो अगर आपको टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना ताकि आप नोटिफाइड रहो, और तब तक के लिए पाइथन पढ़ते रहो, एंड बहुत जल्दी नई वीडियो आने वाली है। कीप सपोर्टिंग गाइस एंड थैंक यू।